ऑल राइट, तो आज हम टेयर डाउन करने वाले हैं JBL Go 4 ब्लूटूथ स्पीकर का। इसकी हमने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग एंड डिटेल में रिव्यू कर दिया है, तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो ऊपर आई बटन में आप चेक कर सकते हो एंड नीचे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप भी जाना चाहते हो स्पीकर के अंदर का राज, तो फटाफट से कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड वीडियो का एंड तक देखते रहिए। स्पीकर काफी कॉम्पैक्ट है एंड काफी सारे कॉम्पैक्ट स्पीकर का हमने टेयर डाउन करा है, काफी हार्डली वो पेस्टेड रहते हैं। अब इस स्पीकर को हम ओपन करके चेकआउट करेंगे कितना हार्ड है ओपन करना। सबसे पहले इसका फ्रंट एंड बैक ग्रिल को हम निकाल लेते हैं। ग्रिल निकालने के लिए हल्का सा आपको सिर्फ इसे पुश करना है ऊपर की तरफ। तो ये रही फ्रंट ग्रिल, टोटली प्लास्टिक ग्रिल में आती है एंड काफी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक इसमें यूज किया गया है। तो JBL ऊपर के पार्ट से उभरा हुआ है, फैब्रिक का यहाँ पे यूज किया गया है। अब निकालते हैं इसकी बैक ग्रिल। यह है बैक ग्रिल, यहाँ पे भी JBL की ब्रांडिंग है एंड जो रबर पैडिंग है ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ है। तो सिंगल स्पीकर एंड सिंगल बेस रेडिएटर का इसमें सपोर्ट है, फ्रंट पार्ट में दिए गए हैं। स्ट्रैप को ओपन करने के लिए यहाँ पे दो स्क्रू है। अब इसके बैक पैनल को हम निकाल लेते हैं। इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे है 5 स्क्रू। तो सारे स्क्रू ओपन हो चुके हैं, इसके बाद बैक पैनल काफी आराम से निकल जाता है। यहाँ पे इसकी बैटरी पेस्टेड है, यहाँ पे कनेक्शन है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो 850 mAh की लिथियम आयन बैटरी का यहाँ पे यूज किया गया है। ये रहा बैक पैनल, क्वालिटी काफी जबरदस्त है भाई। तो यहाँ पे है इसका स्पीकर कनेक्शन, इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो ये रही इसकी मदरबोर्ड, इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे दिए गए हैं 4 स्क्रू। तो सारे स्क्रू ओपन हो चुके हैं, इसके बाद मदरबोर्ड निकल जाती है काफी आराम से। तो अब इसका क्लोज लुक मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे इसका ब्लूटूथ मॉड्यूल, ये है इसकी एम्पलीफायर IC। एंड ये जो केस है टोटली ट्रांसपेरेंट क्वालिटी का दिया गया है। तो अब इसका स्पीकर हम निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए यहां पे 2 स्क्रू। तो ये है इसका स्पीकर, कितने वॉट का स्पीकर है पीछे के पार्ट में मेंशन नहीं किया गया है। एंड जो बेस रेडिएटर है यहां पे पेस्टेड है। ऑल राइट, तो मुझे आपको स्पीकर के अंदर का एक ओवरव्यू देना था, वो मैं आपको दे चुका हूँ। अब इसको हम फटाफट से क्लोज कर देते हैं एंड प्ले करके चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका स्पीकर मैं लगा देता हूँ। तो ऑलमोस्ट ये क्लोज हो चुका है, इसको कम्प्लीटली क्लोज करने से पहले एक बार हम ऑन करके चेक कर लेते हैं। अगर आप इसका नेकेड बेस टेस्ट देखना चाहते हो एंड इसके स्पीकर एंड बेस रेडिएटर को वाइब्रेट होता देखना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो।